इस वीडियो में हम तीन स्मार्टफोन्स जो कि मोटोरोला की तरफ से आते हैं अंडर 22,000 उनकी बात करने वाले हैं। साथ ही में मैं आपको उनके कॉन्स भी बता दूंगा ताकि आपको जब अगर आप फ़ोन खरीदने जाएं तो आपको पता रहे कि इस फ़ोन में क्या खासियत है और क्या इसकी खासियत नहीं है। तो पहले फ़ोन का नाम है जो कि 10,000 से अंदर में आता है, वो है मोटो E40। देखिए, इस फ़ोन में HD क्वालिटी की डिस्प्ले दी गई है जो कि IPS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। 90 हर्ट्ज ये फ़ोन सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के मामले में अगर बात करें तो यूनिसॉक का प्रोसेसर है। देखिए, कंपनी से जज मत करिएगा इस फ़ोन को कि यूनिसॉक का प्रोसेसर है तो बेकार होगा, ऐसा नहीं है। ये जो प्रोसेसर है इसका नाम है T700 जो कि स्नैपड्रैगन 662 और मीडियाटेक हीलियो G70 के मुकाबले का प्रोसेसर है और कई मामलों में ये उनसे आगे भी है और कई मामलों में पीछे भी है, लेकिन उनकी बराबरी का आप इसको मान सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जबकि फिलहाल के लिए जिस फोन से मैं अभी शूट कर रहा हूँ उस फोन में स्नैपड्रैगन 665 है जो कि 662 से थोड़ा सा लो ग्रेडेड प्रोसेसर है, लेकिन मेरा काम इसमें अच्छा खासा चल जाता है। अगर मुझे पबजी भी खेलना है तो पबजी भी मैं इसमें आसानी से खेल सकता हूँ, यहाँ तक कि वीडियो एडिटिंग भी मैं इसी फ़ोन में करता हूँ, तो ये फ़ोन झेल लेता है। तो कुछ उसी तरीके से मोटो E40 भी आपके सारे डेली टास्क अंडर 10,000 में तो बेस्ट फ़ोन है, वो झेल लेगा। अब बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। तो बैटरी यहाँ पे 5000 mAh की है और ये बैटरी 10 वॉट के रैपिड चार्जर को सपोर्ट करती है। देखिए, 10 वॉट का जो चार्जर है ये एक नॉर्मल चार्जर की कैटेगरी में आता है, ये एक फास्ट चार्जर की कैटेगरी में नहीं आता है। ये रैपिड चार्जर बोलता है इसे मोटोरोला, लेकिन ये नॉर्मल चार्जिंग आपकी होगी। लगता है आपके फ़ोन को 2-2.5 घंटे लग सकते हैं फुल चार्जर होने में पूरे। तीसरी, अब इसके नीचे हम बात करते हैं, ये पांचवा है हमारा, पांचवे कैटेगरी में है नेटवर्क। तो यहाँ पे ये फ़ोन जो है वो 4G सपोर्ट करता है और 4G के सारे बैंड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो 4G LTE कैरियर एग्रीगेशन ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो वो चीज़ 4G LTE प्लस की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। छठी चीज़ है कैमरा। तो कैमरा यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का यानी कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके साथ 2-2 मेगापिक्सल के यूज़लेस कैमराज जो आपके किसी काम के नहीं है। जिस फ़ोन से अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये मोटो G8 प्लस है, इसमें भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा है मोटोरोला का, लेकिन इस फ़ोन में आप 48 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन की फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते हैं। लेकिन मोटो E40 में ये चीज़ पॉसिबल है, 48 मेगापिक्सल की आप पूरी हाई रिजोल्यूशन में फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम है जो कि ठीक ठाक आपको रिजल्ट दे देगा। वहीं पर हम बात करते हैं इस कैमरे की खासियत क्या, तो इस कैमरे में ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये एक ऐसा फ़ोन है जो कि 10,000 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर प्रोवाइड कर रहा है, बस यही है। इस फ़ोन में आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्लोमो वगैरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप इसमें नहीं कर सकते, जैसे कि फ्रंट में इसमें आपको नाइट मोड नहीं दिया गया है। तो फ्रंट अगर आपको सेल्फीज खींचनी है रात में तो वो चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले फ़ोन की जो कि 20,000 रुपये के अंदर मोटोरोला का सबसे बेस्ट फ़ोन निकल के आता है, उसका नाम है मोटो G60। इस फ़ोन में आपको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगी और ये जो डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, यानी कि आपका फ़ोन एक्सपीरियंस जो कि चलाने का फ़ोन स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ होने वाला है। साथ ही में बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो फ़ोन में जो प्रोसेसर दिया गया है वो है Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर। ये फ़ोन एक बहुत बढ़िया लेवल का प्रोसेसर है और अंडर 20,000 तो ये कमाल का प्रोसेसर है। तो इसमें आपको कोई भी ना गेमिंग में कोई इशू आने वाला है, ना ही मल्टीटास्किंग में कोई भी इशू आने वाला है, तो ये फ़ोन आसानी से उसे झेल जाएगा। OS की बात करें तो OS इसमें आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और इस फ़ोन में एक ब्लोटवेयर आता है, वो है Facebook का, और वो भी उसे भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ब्लोटवेयर के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जी हाँ, मोटोरोला के फ़ोन्स में ब्लोटवेयर आते हैं और इस फ़ोन में भी एक ब्लोटवेयर है और उसका नाम है Facebook ऐप। OS में हम आपको बता देते हैं कि अगले साल इसको एक Android 12 की अपडेट मिलेगी और 2 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स इसमें मोटोरोला आपको देगा। बात करते हैं अगली बैटरी की, तो बैटरी इसमें 6000 mAh की है और 6000 mAh की बैटरी काफ़ी पावरफुल है और इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो 732G है, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी है, तो काफ़ी अच्छा 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप तो आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा। अगले हम बात करते हैं नेटवर्क की, तो ये फ़ोन 5G कैपेबल नहीं है, 732G ये 5G प्रोसेसर नहीं है। अगर 750G प्रोसेसर इसमें अगर मोटोरोला डालता तो ये 5G फ़ोन बन सकता था, लेकिन ये अंडर 20,000 में एक 5G फ़ोन नहीं है। 4G के सारे बैंड्स आपको मिल जाएंगे, 4G के पीपल फ़ोन है ये। और अब बात करते हैं अपने लास्ट क्राइटेरिया के, वो है कैमरा का। कैमरा में आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाएगा
काफ़ी अच्छा फ़ोन है और इसमें मतलब आप बोल सकते हैं कि वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो एक 20,000 के फ़ोन के अंदर आप कर सकते हैं। और 32 मेगापिक्सल यहाँ पे आपको सेल्फी कैम है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे निकल के आता है। मोटोरोला के ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ी सी कमी थी अभी जब तक इसके रिव्यूज़ में देख रहा था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर अपडेट से इसके इशूज़ भी वो भी फिक्स हो गए हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे फ़ोन की, और तीसरे फ़ोन का नाम है मोटोरोला H20 फ्यूजन। बता दूँ मैं आपको कि ये फ़ोन अभी तक का मोटोरोला का 25,000 रुपये के अंदर अंदर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में इस फ़ोन में आपको एक एमुलेट पैनल मिलता है और 10 बिट के साथ ये पैनल आता है, साथ ही में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो आपका स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस और डिस्प्ले में अगर आप वीडियोज़ देखते हैं तो आपको मज़ा आ जाने वाला है। दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में आपको यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U मिलता है जो कि गेमिंग के लिहाज से भी एक अच्छा खासा प्रोसेसर है। OS की बात करूँ तो इसमें भी एक, पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी एक ब्लोटवेयर आता है और उसका नाम है फेसबुक ऐप, आप उसको अनइंस्टॉल इसमें भी कर सकते हैं। इसमें आपको एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और इसमें आपको 2 साल के OS अपडेट्स मिलने वाले हैं, साथ ही में 2 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी मिलेंगे। बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी इसमें दी गई है 5000 mAh की, तो 5000 mAh 25,000 के फ़ोन में कोई छोटी बात नहीं है, अच्छे खासी आपको बैटरी बैकअप यहाँ पर मिल जाएगा। नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 5G कैपेबल फ़ोन है और इसमें 13 5G बैंड है, जहाँ पे वन प्लस जैसा ब्रांड 2 5G बैंड देता है और अगर 5G इंडिया में आता है तो ज़रूरी नहीं कि उस फ़ोन को वो सपोर्ट करे, लेकिन इस फ़ोन में 100% आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस फ़ोन को आप 5G के लिहाज से अगर ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट फ़ोन आपको अंडर 25,000 में मिल जाएगा। बात करें इस फ़ोन के कैमरा की, तो इस फ़ोन में जो कैमरा दिया गया है ये भी यहाँ पर 108 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो सेंसर मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का एक गिमिक सेंसर है जो कि डेप्थ सेंसर के नाम पे यहाँ पे आपको मोटोरोला ने कहा है। साथ में अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, तो वहाँ पे भी आप सेल्फीज ले सकते हैं और 25,000 रुपये के अंदर अंदर बेस्ट कैमरा फीचर्स और कैमरा प्रोसेसिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, 25,000 रुपये के अंदर अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स वाले फ़ोन भी मिलते हैं, लेकिन मोटोरोला H20 फ्यूजन में कोई भी स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, मोनो स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो गाइज यही है वो तीन स्मार्टफोन जो अंडर 22,000 में बेस्ट है मोटोरोला की तरफ से आने वाले, मोटो E40, मोटो G60 और मोटोरोला H20 फ्यूजन अभी तक के बेस्ट स्मार्टफोन है और आप इन्हें खरीद सकते हैं वाया फ्लिपकार्ट। अमेजोन पे मोटोरोला के स्मार्टफोन्स ऑफिशियली नहीं भेजे जाते हैं, वहाँ पे सेलर्स भेजते हैं उन्हें। तो आप एक चीज़ देख लीजिएगा, फ्लिपकार्ट में ये फ़ोन बिकते हैं, अगर आप ऑथेंटिक वे में खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से इन फ़ोन को खरीदिएगा। अमेजोन वगैरह साइट से खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ वहाँ पे फ्रॉड हो जाए, क्योंकि ऑफिशियली मोटोरोला वहाँ पे सेल नहीं करता है। तो बस ये था इस वीडियो में गाइस, अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज आपको आगे भी मिलती रहें। थक गया हूं। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वीडियो को देखने के लिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।